हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के आज के अपने वीडियो में हम एसिड बेस थ्योरीज की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे लक्स फ्लड थ्योरी की। इससे पहले कई थ्योरीज जैसे आरिनियस थ्योरीज, ब्रॉस्टर ल्योरी थ्योरीज आदि दी गई थी। तो ब्रॉस्टर ल्योरी थ्योरी में अम्ल क्षारक अभिक्रिया जो है उसको समझाने के लिए प्रोटॉन की भूमिका बताई गई थी। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, क्षारक प्रोटॉन ग्राही होते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी एसिड बेस रिएक्शंस हैं जिनमें प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसी अभिक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए ऑक्साइड आयन के स्थानांतरण के आधार पर लक्स ने एक थ्योरी दी थी और फ्लड ने उसे विस्तार दिया था। तो इस लक्स फ्लड थ्योरी के अनुसार, इसकी परिभाषा के अनुसार, अम्ल क्षारक क्या होते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो ऑक्साइड आयन ग्राही होते हैं, यानी ऑक्साइड आयन को ग्रहण करते हैं, और क्षारक वे पदार्थ हैं जो ऑक्साइड आयन दाता होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई क्षारक है वो ऑक्साइड आयन और प्रोवाइड करवाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो वो कैल्शियम 2+ आयन और ऑक्साइड आयन में ब्रेक डाउन होगा, यानी वो ऑक्साइड आयन प्रदान करवाएगा। ठीक इसी प्रकार सल्फेट आयन जो है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड और ऑक्साइड आयन देगा। तो ये क्षारक हो गए। इस परिभाषा के अनुसार, यानी लक्स फ्लड के अनुसार, अम्ल क्षार अभिक्रिया जो है वो धातु ऑक्साइड से अधातु ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन स्थानांतरण मानी जा सकती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षारक की भांति व्यवहार करता है और SiO2 एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अगर इनकी रिएक्शन हम करवाई जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड आयन SiO2 को प्रदान करेगा और SiO2 से ग्रहण करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड थ्योरी। इसी प्रकार लेड ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड की रिएक्शन से लेड सल्फेट का बनना भी इसी का उदाहरण है। अगर हम बात करें कि ये जो क्षारीय ऑक्साइड है वो क्षारीय हाइड्रोक्साइडों के एनहाइड्राइड होते हैं, इसी प्रकार अम्ल के जो ऑक्साइड हैं वो ऑक्सी अम्लों के एनहाइड्राइड होते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्षारीय हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक इसी प्रकार सल्फर ट्राईऑक्साइड और वाटर के एडिशन से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक इसी प्रकार CO2 और वाटर के एडिशन से H2O CO3 बनेगा। अन्य क्षार की बात करें जैसे NaOH है तो वो Na2O और H2O के योग से बना है। अब हम जानते हैं कि सभी में ये आवश्यक नहीं है कि ऑक्साइड के रूप में ही एसिड प्रेजेंट हो। कुछ उदाहरण जैसे टाइटेनियम है, नायोबियम है आदि जो है उच्च ताप पर सोडियम पायरोसल्फेट को O2- आयन भी देते हैं। जैसे TiO2 जो है अगर वो Na2H2O7 सोडियम पायरोसल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो TiOSO4 और Na2SO4, यानी इसने O2- आयन प्रदान किया है। इसी प्रकार यदि हम देखें कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो ऑक्साइड आयन ग्राही और ऑक्साइड आयन दाता दोनों की तरह काम कर सकते हैं, यानी ऑक्साइड आयन को ग्रहण भी कर सकते हैं और ऑक्साइड आयन को
डोनेट भी कर सकते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके उदाहरण है जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिनकी रिएक्शन इस प्रकार है। जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड आयन जब ग्रहण करता है तो ZnO2 2- के रूप में प्राप्त होता है, यहाँ ये ऑक्साइड आयन ग्राही है तो वो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक इसी प्रकार ZnO जो है वो ऑक्साइड आयन प्रोवाइड भी करवा सकता है, यानी वो क्षारक की भांति भी व्यवहार कर सकता है, इसलिए ये उभयधर्मी प्रवृत्ति का है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड आयन दाता का भी काम कर सकता है और ग्रहण करके Al2O- भी बना सकता है, AlO2-। तो ये भी उभयधर्मी नेचर का है। तो यहाँ हम ऑक्साइड आयन पे जोर डाल रहे हैं, यानी ऑक्सीजन से निर्मित ऋण आयन है ये, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसके जैसे ही जैसे हैलोजन हो गया, सल्फर हो गया, अन्य जो एटम्स हैं उनसे प्राप्त ऋण आयनों को के स्थानांतरण के आधार पर भी हम लक्स फ्लड परिभाषा को विस्तार कर सकते हैं। यानी हैलाइड और सल्फाइड आयन जो है उनके जो दाता यौगिक हैं, जैसे वहाँ ऑक्साइड दाता क्षारक था, तो यहाँ हैलाइड और सल्फाइड दाता भी क्षारक की तरह व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार हैलाइड और सल्फाइड को ग्रहण करने वाले पदार्थ वो अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे, यानी उनको अम्ल कहा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उच्च ताप पर फ्लोराइड आयन जो है वो AlF3 को स्थानांतरित हो जाता है। अगर हम NaF और AlF3 की रिएक्शन करवाएं तो AlF3 जो है वो फ्लोराइड आयन ग्रहण कर लेगा, तो फ्लोराइड आयन ग्राही हो गया AlF3, यानी AlF3 एक तरीके से अम्ल का कार्य करता है, और NaF ने फ्लोराइड आयन डोनेट किया है तो वो एक क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है। ये लक्स फ्लड परिभाषा जो है वो मोल्टन ऑक्साइड जो है उन पे भी लागू की जा सकती है। जैसे सिरेमिक्स और मेटलर्जी में ऑक्साइडों के बीच जो क्रिया होती है उन पर उच्च ताप पर जो क्रिया होती है उन पे ये लागू होता है। जैसे लोहे के एस्क में सिलिका मिली होती है और उसको हम हटाने के लिए, जानते हैं कि सिलिका SiO2 जो है वो एक अम्लीय ऑक्साइड है, और इसे दूर करने के लिए इसकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड यानी एक क्षारीय ऑक्साइड से वात्यावट्टी में करवाई जाती है। तो SiO2 और CaO मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बना लेते हैं, जो धातुमल के रूप में स्लैग के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार कॉपर के धातुक्रम में सल्फाइड एस्क में जो कॉपर का जो सल्फाइड एस्क होता है उसमें आयरन सल्फाइड अशुद्धि के रूप में होता है, तो उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रावर्तनी भट्टी में सिलिका डाल करके और उसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले आयरन सल्फाइड जो है वो आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और फिर आयरन ऑक्साइड जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का है और सिलिका जो कि अम्लीय प्रवृत्ति की है से उच्च ताप पर अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट बना लेती है, जो हल्की परत के रूप में होता है और ऊपर आ जाता है जिसे हटा लिया जाता है। तो इस तरह से इनका ये एप्लीकेशन पार्ट हो गया। लक्स फ्लड की परिभाषा के आधार पर एक एसिडिटी स्केल बनाया गया है, अम्लता का मापक्रम बनाया गया है, जिसमें हम अम्लता का जो पैरामीटर है उसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। अल्फा की वैल्यू दी जाती है प्रत्येक पदार्थ के लिए और उसके आधार पर समझा जाता है कि इसमें कितना एसिडिक नेचर है या कितना बेसिक नेचर है। यदि हम किसी अम्ल और क्षारक यानी किसी क्षारक के एसिडिटी प्राचल को हम अल्फा बी से लिखें और अम्ल के एसिडिटी प्राचल को हम अल्फा ए से लिखें, तो इनका अंतर जो है जब इनकी रिएक्शन होती है उनके फलस्वरूप जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसके वर्गमूल के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा बी माइनस अल्फा ए इज इक्वल टू रूट डेल्टा एच। उदाहरण के लिए
कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका का जो ऑक्साइड है उनकी मध्य रिएक्शन से डेल्टा एच का मान आता है 85 किलो जूल पर मोल। तो इनके दोनों ऑक्साइड के अल्फा मानों में अंतर जो है वो रूट 85 यानी 9.2 का होना चाहिए। हम अल्फा के कुछ चयनित मान निम्न सारणी में आपको दिए हुए हैं, जैसे H2O के लिए 0 है, सोडियम ऑक्साइड जो है उसके लिए -12.5 है, इसी प्रकार इधर भी धातुओं के ऑक्साइड के भी दिए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि 0 से ये अधिक ऋणात्मक, किसी का कम ऋणात्मक, धनात्मक है। तो इस सारणी के अवलोकन से कुछ बातें स्पष्ट होती है कि जो क्षारीय ऑक्साइड है उनके अल्फा के मान ऋणात्मक होते हैं। जैसे किस किस के हैं, देखो सोडियम का है, रूबिडियम का है, सीजियम का है, स्ट्रोंशियम का है, इनका काफ़ी ऋणात्मक मान है। तो उच्च ऋणात्मक मान ये बता रहा है कि जितना अधिक ऋणात्मक मान होगा अल्फा का, उसका मतलब है कि वो ऑक्साइड उतना ही अधिक क्षारीय है। अगर इसमें दिए गए मानों को हम ध्यान से देखें तो सीजियम ऑक्साइड का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है, -15.2। इसका मतलब ये हुआ कि सीजियम ऑक्साइड जो है वो सब सर्वाधिक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उनके मान लगभग शून्य के आसपास होते हैं, शून्य के इर्द गिर्द। जैसे वाटर का 0 है, जिंक का, एल्यूमिनियम का, इनका भी काफ़ी कम है। जैसे एल्यूमिनियम का -2 है, जिंक का -3.0 है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। और अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं उनके अल्फा के मान पॉजिटिव होते हैं, और अल्फा का मान जितना अधिक पॉजिटिव यानी जितना अधिक वैल्यू आएगी वो अम्लीय ऑक्साइड उतना ही अधिक अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। इस सारणी में जो दिया गया है वो परक्लोरिक एसिड का जो एनहाइड्राइड है Cl2O7, उसकी वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 11.5 है। तो इसका मतलब इन दिए गए ऑक्साइड में ये सर्वाधिक अम्लीय प्रवृत्ति का है। तो ये थी आज की अपनी लक्स ब्लड थ्योरी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।